कोर्स जो है कवर कर सकें। तो इसमें मैक्सिमम कोर्स कवर करने के लिए आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल को अवेलुएट करना। तो अवेलुएशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिस तरह फीचर सिलेक्शन या फीचर एक्सट्रैक्शन का टॉपिक्स हैं वो भी हम करेंगे। और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग क्या है, उसमें चंद एक डीप लर्निंग मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारा है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन से मुराद है कि क्रॉस वैलिडेशन से पहले अभी तक जो हम करते आ रहे हैं पहले हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अभी तक प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि फीचर इंजीनियरिंग और लास्ट लेक्चर में हम देखा है वन हॉट इनकोडिंग क्या है, किस तरह से काम करती है। तो आज हम क्रॉस वैलिडेशन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये है कि हमारे पास अगर नॉर्मली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हमने डिस्कस किए थे, कुछ को इम्प्लीमेंट भी किया था सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल्स को, तो इनमें सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल में हम क्या करते हैं कि डाटा को पहले स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग डाटा में और टेस्टिंग डाटा में, और ट्रेनिंग डाटा पे मॉडल बिल्ड करते हैं यूजिंग फिट मेथड, फिट ट्रांस। हमने देखा था कि किस तरह से डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट वगैरह के यानी बेस में मशीन लर्निंग मॉडल्स में हमने फिट का मेथड यूज किया था मॉडल को बिल्ड करने के लिए। मॉडल बिल्ड हो जाता है तो हम उसको अवेल्युएट करते हैं टेस्ट डाटा को। ये टेस्ट डेटा के लिहाज से उसको प्रिडिक्ट करते हैं उसकी एक्यूरेसी क्या। तो डेटा को स्प्लिट करते हैं हम टेस्टिंग और ट्रेनिंग में, और 70-30 रेशियो या 60-40 या 75-25 रेशियो यूज करते हैं। तो इसमें हम न्यू डेटा या डेटा जो हमारे पास टेस्टिंग डेटा जो ट्रेनिंग में यूज नहीं हुआ उसको यूज कर उसको प्रिडिक्ट करते हैं, जबकि मॉडल को बिल्ड करने के लिए हम ट्रेनिंग डेटा यूज करते हैं। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि मॉडल हमारा और जो एक्यूरेसी निकलती है वो एक्यूरेसी हम चेक करते हैं कि जो प्रिडिक्ट हमारा टेस्ट डेटा उसके लिहाज से मॉडल की एक्यूरेसी, जो अनसीन डेटा है उसके लिहाज से क्या एक्यूरेसी है। तो कि अब हमारे पास के मॉडल जो है कितना बेहतर तौर पर फिट हुआ है वो अभी तक हमने नहीं देखा, और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अगर डाटा जो हम ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा में स्प्लिट करते हैं, क्योंकि हम उसमें मॉडल चेक ही नहीं कर रहे कि ट्रेनिंग डाटा पे किस तरह से वो बिल्ड हो रहा है या किस तरह से बेस्ट फिट हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन जिस तरह से अभी आपको बताया कि टेस्ट और ट्रेनिंग डाटा में जब हम उसको स्प्लिट करते हैं तो डाटा जो है हमारे पास रैंडमली वो स्प्लिट करते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल 75% डाटा जो ट्रेनिंग के लिए यूज करता है और 25% डाटा टेस्टिंग के लिए यूज करता है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं अगर जिनको इजीली सॉल्व नहीं किया जा सकता या इजीली हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो ट्रेनिंग डाटा में चले गए हैं तो हम अच्छा रिजल्ट गेट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो टेस्टिंग डाटा में चले गए हैं तो हो सकता है हमारे पास उसकी एक्यूरेसी मॉडल की जो है बेहतर ना हो। तो इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं। क्रॉस वैलिडेशन जो है जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, जनरलाइजेशन है परफॉर्मेंस को अवेल्युएट करने के लिए। और इसमें क्या करते हैं कि हम डेटा को स्प्लिट करते हैं और रिपीटेडली स्प्लिट करते हैं और मल्टीपल मॉडल जो हैं उनको ट्रेन करते हैं हर एक स्प्लिट पे। इस तरह नहीं कि हम एक ही मतलब ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट किया उस पे अप्लाई किया, यहाँ पे हम मल्टीपल मॉडल्स को रिपीटेडली डाटा रिपीटेडली स्प्लिट करते हैं, हर पोर्शन पे हम मॉडल्स को अप्लाई करते हैं। मीन के फर्स्ट पोर्शन पे भी हम उस पे फर्स्ट डिसीजन ट्री अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, तो इन सब का एक्यूरेसी आएगी। इन सब की एक्यूरेसी को हम कंबाइन करके या मीन गेट करके हम ओवरऑल
मॉडल की एक्यूरेसी हम गेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्रॉस वैलिडेशन का ये हमारे पास होगा कि कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी दफ़ा हम मॉडल को एग्जीक्यूट करेंगे, जितने डेटा पे जितने पोर्शंस पे जितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे उतनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें सबसे नॉर्मल या सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक मेथड वो है के फोल्ड वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन। के से मुराद है कि कितने पोर्शंस में डेटा को स्प्लिट कर। तो के जो है नॉर्मली यूजर्स स्पेसिफाई करता है। अर्ली वर्जन में के की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 3 थी, यानी कि उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता था, लेकिन कुछ नए में मैंने चेक किया तो नए मेथड्स में उसकी एक्यूरेसी जो है हमारे पास उसकी सॉरी के की वैल्यू जो है 5 भी है। नॉर्मली के की वैल्यू 5 या 10 यूज की जाती है। तो इसमें 5 या 10 जो है उसको जब स्प्लिट किया जाता है तो हम ये जो है जितने पोर्शंस में स्प्लिट किया जाता है हर एक पोर्शन को हम फोल्ड कहते हैं। जहाँ पे ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग विद पाइथन, वहीं से एग्जांपल ली गई है। तो अब इसका ये एक पहला फोल्ड है, दूसरा फोल्ड है के की वैल्यू 5 है, दूसरा फोल्ड है, तीसरा फोल्ड है, चौथा फोल्ड है, तो 5 फोल्ड इसके हमारे पास बन जाएंगे। के फोल्ड मीन के की वैल्यू 5 होगी, 5 फोल्ड, 3 है, 3 फोल्ड, 10 है, 10 फोल्ड। अब इसमें ये जो ग्रे है उसको हमने कहा टेस्ट डेटा, और दूसरा जो वाइट पोर्शन है वो ट्रेनिंग डेटा है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पहला जो है उसको में क्या फोल्ड में क्या होगा, अगर 5 है तो फर्स्ट फिफ्थ ऑफ डेटा जो है फर्स्ट फोल्ड में आएगा, सेकंड फिफ्थ जो है सेकंड फोल्ड में आएगा, और इसी तरह बाकी डेटा जो है हर फोल्ड में 1/5 पोर्शन ऑफ टोटल डेटा जो है उसमें आता जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर इस पे अप्लाई करेंगे कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम तो सबसे पहले क्या करेगा कि वो पहली मरतबा पहले स्प्लिट को एज ए टेस्ट डेटा यूज करेगा और बाकी 4 जो हैं हमारे पास पोर्शंस उनको एज अ ट्रेनिंग डेटा यूज करेगा। दूसरे फोल्ड में दूसरे पोर्शन में क्या करेगा, दूसरे फोल्ड को एज ए स्प्लिट डेटा टेस्टिंग डेटा यूज करेगा, और पहला, तीसरा, चौथा और 5वां जो हमारे पास स्प्लिट है उसको एज ए ट्रेनिंग डेटा यूज करेगा। इसी तरह बाकियों में अगले पोर्शन में 3rd और 4th स्प्लिट जो है यूज करेगा, उसके बाद 4th स्प्लिट, इसी तरह 5th स्प्लिट में 5th फोल्ड में जो 5th स्प्लिट है वो ट्रेनिंग डेटा पे यूज के लिए यूज किया जाएगा, और बाकी जो है हमारे पास टेस्टिंग डेटा के लिए। तो इस तरह से k फोल्ड जो है उसको डिवाइड करता है डिफरेंट पोर्शंस। नेक्स्ट है कि सादिया जी, जो पोर्शन बनेंगे पोर्शन कांस्टेंट रहेंगे, पोर्शन टोटल का साइज के इक्वल पोर्शंस में डिवाइड होगा। जिस तरह 5 है ना बिलफर्स, उसमें 25 रिकॉर्ड्स हैं, तो पहले 5 जो हैं पहले फोल्ड में आ जाएंगे, दूसरे 5 अगले फोल्ड में, तीसरे 5 अगले फोल्ड में, और इसी तरह से वो स्प्लिट होते हैं। मतलब 25 पोर्शंस बनेंगे, 5 फोल्ड बनेंगे, हर 5 फोल्ड में 5 रिकॉर्ड होंगे। हां जी, और जो सर रिकॉर्ड्स बनेंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, यानी जो पहला हमारे पास पोर्शन होगा वो दूसरे फोल्ड में भी वो फर्स्ट ही रहेगा। हाँ जी, वो फर्स्ट ही रहेगा, और हर एक पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई होगा। और सर ये हर पास में जो है जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो ये ट्रेन होता जाएगा हमारा एल्गोरिथम, या वही वाला जो है मॉडल जो है वो अप्लाई हर एक पे अप्लाई करेंगे, हर एक की एक्यूरेसी आएगी, पहले फोल्ड में क्या एक्यूरेसी, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, हर एक की अलग आएगी। उससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि डेटा किस तरह से है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, और उसकी एक्यूरेसी को हम मीन गेट करके ओवरऑल मॉडल की एक्यूरेसी गेट कर सकते पूरे डाटा। ठीक है, थैंक यू। फॉर एग्जांपल के जो है 5
फाइव है तो डाटा जो है फाइव पार्ट्स में डिवाइड होगा और हर अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, क्योंकि हो सकता है किसी पोर्शन में वैल्यू कम हो, पूरी पूरी डिवाइड ना हो रही हो, तो हम इसको फोल्ड कहते हैं। और हर सीक्वेंस ऑफ मॉडल जो है हर एक फोल्ड पे अप्लाई होते हैं, जिस तरह भी आपको मैंने बताया कि फर्स्ट मॉडल जो है ट्रेंड होता है यूजिंग फर्स्ट फोल्ड एज अ टेस्ट डेटा और फोल्ड टू टू फाइव जो है एज अ ट्रेनिंग डेटा और यूज़ करता है ट्रेनिंग डेटा। सेकंड मॉडल इसी तरह से सेकंड फोल्ड को एज अ टेस्ट डेटा सेट यूज़ करता है और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फोल्ड को एज अ ट्रेनिंग सेट यूज करता है। जो डेटा को पार्टीशन करते हैं इक्वल साइज में उसको हम फोल्ड कहते हैं। और इसी तरह फोल्ड थ्री फोर फाइव जो है टेस्ट सेट पे एज अ टेस्ट सेट यूज किया जाएगा, अगले इसी को रिपीट किया जाएगा। और इसकी एक्यूरेसी हम हर एक की गेट करते हैं और उसके बाद उसका मीन गेट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डाटा की एक्यूरेसी जो हमारे पास आई है मॉडल की हर फोल्ड में हो सकता है वो वेरी करे, तो उस क्यों वेरी कर सकती है अगर वो एक स्पेसिफिक मॉडल जो है डिपेंडेंट है एक पार्टिकुलर फोल्ड की ट्रेनिंग पे, कि उसमें ट्रेनिंग डाटा जो है एक स्पेसिफिक टाइप का है तो उसके लिए एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा है, दूसरे में कम है, तीसरे में और तरह का डाटा है, तो उसके लिहाज से इसकी एक्यूरेसी वेरियंस में एक्यूरेसी में वेरियंस आ सकता है, या फिर डेटा साइज बहुत स्मॉल है तो वहाँ पर ये वेरियंस काफ़ी ज़्यादा आ सकता है एक्यूरेसी। एग्जाम्पल है आयरिस की डेटा सेट की, वही जो हमने बुक में यूज की है। मकसूद आपका क्वेश्चन। जी मकसूद, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्वेश्चन है तो आप पूछो। नेक्स्ट है कि हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। उन्होंने अपना माइक ऑफ किया हुआ है ना सर, मकसूद ने अपना माइक ऑफ किया है सर। चलें कोई नहीं, अब नेक्स्ट है ये था जी सर, मैंने पूछना ये था कि अगर जिस तरह आप बता रहे हैं 25 रिकॉर्ड हैं तो 27 रिकॉर्ड हो तो उसमें ये किस तरह फोल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो एक फोल्ड में कितने रिकॉर्ड आएंगे? वो हमें इसी तरह से आपको बताया कि अगर इक्वल साइज नहीं है तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज के रिकॉर्ड्स में स्प्लिट करने की कोशिश करेगा। जिस तरह डेटा इज पार्टीशनड इनटू फाइव पार्ट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से उसका वर्क करता है, कि पहले दो में करता है, पहले छः रिकॉर्ड करता है बाकी में इक्वल करता है, या किस तरह से करता है वो डिपेंड करता है उसके लिहाज से। तो इसमें क्रॉस वैलिडेशन स्कोर इंपोर्ट किया है इसमें से मॉडल सेक्शन से, और इसमें आयरिस का डेटा सेट लोड किया और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई किया है, तो उसके लिहाज से इसकी एक्यूरेसी गेट की है। तो इसमें क्या होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है तो जिस तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन डेटा को पहले लोड किया है आयरिस के डेटा सेट को, और इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया, और इसमें तीन पैरामीटर्स होंगे क्रॉस वैलिडेशन स्कोर के। नंबर वन, कौन सा मेथड है। नंबर टू, के किस डेटा के लिए करना है, यानी कि डेटा सेट कौन सा है। और नंबर थ्री, नेम्स, क्योंकि हम ये नॉर्मली क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, या लेबल्स का कॉलम हम यहाँ पर बता सकते हैं, या नेम्स जो भी ये क्लासिफिकेशन के नेम्स हैं तो वहाँ पर हम इसका बता सकते हैं। तो स्कोर आएंगे तो स्कोर हम इसका गेट करते हैं। तो अब इसको पांच पोजीशंस में किया हुआ है, तो पहले फोल्ड की एक्यूरेसी 96% है अप्रॉक्सीमेटली, दूसरे की अप्रॉक्सीमेटली 100% है, दूसरे की फोल्ड की 100% है, तीसरे की 93, फिर 96, फिर 100%। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेटा में वेरियंस अकर कर कि 93 से लेके फुल 100% एक्यूरेसी आ रही। तो ये इसमें का मतलब है कि डेटा सेट में जो सेकंड स्प्लिट है या लास्ट स्प्लिट है
उसमें कुछ इस तरह से ट्रेनिंग डेटा है फिर जहाँ पे वो एक्यूरेसी 100% आ रही। तो इसको मज़ीद जो है करते हैं, तो पहले मैं इसको एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे कि इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कोलैब पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यही कमांड्स को, पहले वो इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट करके उसको एग्जीक्यूट किया है, और उसके बाद ये जो है लोड आयरिस डेटा सेट, तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी एक्यूरेसी है। नीचे वो वार्निंग हैं कि इसके डेटा सेट में वो आइट्रेशंस कम हैं तो वो इंक्रीज करें, या वो सजेशन हैं वो भी हम फिलहाल इग्नोर कर। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाद अवकात बाई डिफ़ॉल्ट इसमें 5 यूज़ किया है, तो अगर हम आइट्रेशन या नंबर ऑफ फोल्ड्स इंक्रीज कर बताना चाह रहे हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक पैरामीटर है सी वी, तो वहाँ पे हम उसकी वैल्यू डिफाइन कर देंगे, तो वो 5 की है, तो 5 के लिहाज से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। मीन के वही रिजल्ट है जो अभी हमने विदाउट यूज किया। अब सी वी की वैल्यू 5 या 10 करेंगे, तो अगर यहाँ पे मैं 10 करता हूँ तो 10 टाइम्स ये मॉडल पे एग्जीक्यूट करेगा, और उसके लिहाज से ये काउंट कर लेंगे 10 एक्यूरेसी 10 फोल्ड्स पे आ गई है, तो हम इसको इस तरह से गेट कर सकते। गेट करने के बाद हम जो है इसका मीन 10 का मीन बिलफर्ज फाइंड आउट करते हैं, तो जो है कि सारों का मीन गेट करके हम उसकी टोटल एक्यूरेसी अप्रोक्सीमेटली 97% आ रही है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि यही एग्जाम्पल जो आउटपुट वहाँ पे एग्जीक्यूट की थी वो मैंने यहाँ पे उसको इंसर्ट किया हुआ है। अब केफोल्ड एक्यूरेसी हर एक की करते हैं और उसके बाद मीन गेट करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं हमारे पास क्रॉस वैलिडेशन के? क्रॉस वैलिडेशन के बेनिफिट है कि हर एग्जाम्पल जो है हमारे पास हर एक पे एग्जैक्टली वंस ट्रेनिंग सेट पे ये क्रॉस हमारे पास यूज़ होता है, हम मॉडल यूज़ करते हैं, और हर एग्जांपल जो है ईच एग्जांपल इज इन ईच फोल्ड, और हर फोल्ड में टेस्ट सेट है तो वो हर एक पे एग्जीक्यूट होता है, और डिफरेंट टेस्ट सेट पे बना के मॉडल यूज़ होता है। जिस तरह नहीं कि जिस तरह हमने टेस्ट ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को स्प्लिट करके किया था, तो वो एक ही दफ़ा ट्रेनिंग डेटा था और एक ही दफ़ा टेस्ट डेटा था, तो वो रैंडमली चूज करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन बता सकता है कि ट्रेनिंग डेटा सेट में कौन सा डेटा सेट पे पोर्शन जो है सेंसिटिव है इंफॉर्मेशन के लिहाज से। जिस तरह जो अभी हमने किया देखा है तो कुछ पे एक्यूरेसी हमारे पास 1 आ रही है, कुछ पे 1 से कम 100% एक्यूरेसी आ रही है, कुछ पे 96, कुछ पे 93। तो ये उसके लिहाज से हमारे पास रिजल्ट आ रहा। तो जिस तरह 1 आ रही है तो हो सकता है कि वहाँ पे सारी एग्जांपल्स जो हैं एक ही क्लास से एग्जिस्ट कर रही हैं, ट्रेनिंग भी टेस्टिंग भी। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स हम चेक कर सकते हैं यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन। तो यहाँ तक अभी हमने किया है। इसके बाद चंद एक और चीज़ें हैं वो जो है हम तीन बजे की जो अगली क्लास है हम उसमें करेंगे।